आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है न्यायियों की पुस्तक 17वां अध्याय। एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास है, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उसे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढाल कर बनाई जाए, इसलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवइयों को दिए और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढाल कर बनाई, और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देव स्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक ग्रह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बैतलहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बैतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हुआ एक लेवीय हूँ और इसलिए चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन, और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँगा। तब वह लेवीय भीतर गया और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित कर रखा है।